मोतिहारी से जा रहे हैं अपना मुंगेर की ओर। अगर चलाइएगा तो फाइन लगेगा, खतरा नहीं होता, एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसी तरह हाईवे बनेगा। हम किसके बारे में बोल रहे हैं? मैनेजर जो है, मेरा मैनेजर। नमस्कार, मैं हूँ रंगीला 2.0 का आवाज में। आप देख रहे हैं एनएच 28 है, ना कि 80। हम मोतिहारी से अपने घर लौट रहे हैं। गए थे अपने मैनेजर जो है, मेरा मैनेजर, साथ में क्लासमेट भी है, उसका शादी हुआ। यानी आप साफ सुथरा से समझ जाइए कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं, ना कि हम नाम बताएंगे। अगर हमें जानते हैं तो आपको पता होगा कि मेरा मैनेजर और बेस्ट फ्रेंड क्लासमेट कौन है। हम बताना चाहेंगे, ये जो हाईवे है, इसी तरह हाईवे बनेगा मुंगेर भागलपुर के बीच, न्यू 4 लाइन जो कि अप्रोच रोड का काम चल रहा है। काफ़ी सुंदर लगा, ये टूल पार्किंग है, अच्छा अच्छा जगह। और घूमने, ये टूल का मतलब ये होता है कि घूमने के लिए निकलें, घूमने के लिए। अच्छा, मन खुश हो गया रोड का देख करके। एकदम रात में भी सफ़र किए, दिन में भी सफ़र किए। और ख़ास बात ये है कि हाईवे पर जो आए, ये राइट होकर नहीं आगे पीछे ओवरटेक करता है, ये बाएं से ओवरटेक करता है, आगे पीछे होता है। जब बाएं से ओवरटेक होता है ना, तो इसमें खतरा नहीं होता, एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। जो बाएं ओर से, ऑन साइड से जो ओवरटेक होता है, गाड़ी, ऑटो, टोटो, हर चीज़ आगे पीछे होता है, तो उसमें खतरा होने की ज़्यादा संभावना रहता है। ये हमको अच्छा लगा। और जो रहता है पार्किंग, पार्किंग से राइट साइड से स्पीड गाड़ी चलती है और रॉन्ग साइड से स्लो चलती है। यानी हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो दाहिने साइड रहेगा, ना कि बाएं साइड। यहाँ पर देखें कि एनएच के ऊपर वो स्पीड कितना है, वो भी नापने वाला है कि आप इससे ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। अगर चलाइएगा तो फाइन लगेगा। और ये भी बताता है कि इस यहाँ से आगे जाइए इतना स्पीड में आप जितना चला सकते हैं। यानी ट्रैफिक के मुताबिक से स्पीड कम बेस करना पड़ता है, मजबूरन है, नहीं तो इसको फाइन लगेगा। मोतिहारी से जा रहे हैं अपना मुंगेर की ओर। देखिए, ये जो हाईवे है ना, ये काफ़ी सुंदर, सुंदर क्या, यानी 100 से ज़्यादा स्पीड चला, कहीं खच्चा खुच्ची नहीं है, गड्ढा गुड्ढी नहीं है, मन खुश हो गया। टूल पार्किंग है, इसी तरह रोड साइड बनेगा मुंगेर भागलपुर के बीच जोड़ने के, जो काम करेगा 4 लाइन। ये देखिए, एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं है, फिर भी यहाँ पर टूल करने के मुताबिक से काफ़ी अच्छा लगा। आप भी बताइएगा कि आप इस हाईवे पर आए हैं कि नहीं आए हैं।